हाल ही में पतंजलि का नाम कोरोना वायरस के संदर्भ में खूब लिया गया। असल में यह दावा किया जा रहा था कि पतंजलि ने कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज के लिए दवा बना ली है। पतंजलि ने इसके विज्ञापन भी शुरू कर दिए थे। इस दवा को नाम मिला था कोरोनिल और कहा जाने लगा कि ये एक आयुर्वेदिक किट है। मीडिया हाउसेस ने इस किट पर कई शो तक चलाए। न्यूज चैनल्स पर बिना किसी भी तरह के वेरिफिकेशन के महज पतंजलि के कहने भर से इस किट को कोरोना वायरस के इलाज में पहली आयुर्वेदिक दवा बनाकर पेश किया जाने लगा। रामकिशन यादव यानी बाबा रामदेव ने कहा कि इस किट को क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल के जरिए विकसित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि ये कोविड-19 का 100% इलाज है। इसके अलावा रामदेव ने कहा कि उनके पास इस दवा को बनाने और रिलीज करने की पूरी इजाजत भी है। दवा लॉन्च होने के कुछ समय बाद आयुष मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया और पतंजलि आयुर्वेद के कोरोनिल को कोविड-19 के इलाज के तौर पर प्रचारित करने पर बैन लगा दिया गया। इस बैन की वजह क्या थी? मालूम पड़ा कि पतंजलि ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराए थे। इसी शाम इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में रामदेव ने दावा किया कि आयुष मंत्रालय को रिसर्च से जुड़े वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाएंगे जिनका इस्तेमाल कोरोनिल किट के असर को साबित करने के लिए किया गया है। बाबा रामदेव, आयुष मिनिस्ट्री कह रही है उनको इस दवा के बारे में कुछ पता नहीं है। आप जाकर पब्लिक में कह देते हैं कि ये एक तरह से कोविड क्योर है बगैर परमिशन के, ये कैसे आपने कर दिया? देखो, पहली बात तो ये है कि जिससे जो परमिशन चाहिए ड्रग बनाने से लेकर के और ड्रग का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के सारी परमिशन हमने ली हुई है। अब ये आयुष मंत्रालय वालों को हम सारा जवाब अभी जो है 7 बजे तक चला जाएगा। मींस सारा का सारा जवाब हमने ऑलरेडी दे दिया, उनके पास पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। हमने इसके लिए जो भी दवाई बनाने से लेकर के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के CTRI के रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारे मीडिया को हमने दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप चाहें तो मैं आपको पढ़कर के भी सुना सकता हूँ। अब सीन में आए आचार्य बालकृष्ण जो कि पतंजलि के CEO हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा कि ये सारा कंफ्यूजन एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ है। साथ ही एक टेक्निकल टर्म भी जोड़ा, रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, और बताया कि उन्होंने सारे टेस्ट इसी विधि से किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। पहला डॉक्यूमेंट था क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट यानी CTRI। दूसरा डॉक्यूमेंट था आयुष मंत्रालय के ड्रग पॉलिसी विभाग को लिखी गई चिट्ठी जिसमें दवा के कॉम्पोजिशन, क्लिनिकल ट्रायल का विवरण और क्लिनिकल ट्रायल की जगह के बारे में जानकारी थी। तीसरा डॉक्यूमेंट था ड्रग के कॉम्पोजिशन को बताते हुए 2 रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक, और चौथा था एथिक्स अप्रूवल कमिटी का एक लेटर और CCRAS के डायरेक्टर जनरल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को लिखी गई 2 FYI चिट्ठियां। FYI यानी कि फॉर योर इंफॉर्मेशन, यानी इस दवा के कारगर होने के सबूत के तौर पर मात्र 2 रिसर्च आर्टिकल्स पेश किए गए थे। इस पूरी कवायद के बीच उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अधिकारी ने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने बताया कि पतंजलि को सर्दी बुखार और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा बनाने की परमिशन दी गई थी, कोरोना के इलाज की दवा बनाने की नहीं। तो अब आते हैं पतंजलि की कोरोना के इलाज करने के दावे के फैक्ट चेक पर। कोरोनिल किट में 3 शीशियां हैं। श्वासारी रस टैबलेट या DRS, ये बूटियों से बनी हुई एक टैबलेट है। दूसरा जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर है जिसमें 2 हिस्सा गिलोय, 1 हिस्सा अश्वगंधा और 1 हिस्सा तुलसी बताया गया है। और तीसरा अनु तेल जो कि नाक में डाले जाने वाला एक ड्रॉप है। इन दवाओं के प्रभाव को साबित करने के लिए सिर्फ 2 रिसर्च स्टडीज आयुष मंत्रालय को भेजी गई। इसके अलावा जो भेजा गया था वो था क्लिनिकल ट्रायल के रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट। इसमें से कोई भी स्टडी पब्लिश किया हुआ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी RCT नहीं था। इन 2 स्टडीज में पहली टैबलेट 1 यानी DRS से जुड़ी हुई स्टडी थी और दूसरी कोरोनिल टैबलेट में पड़ने वाले गिलोय से जुड़ी हुई थी। इस डॉक्यूमेंट में अश्वगंधा और तुलसी से जुड़ा कोई अध्ययन पेश नहीं किया गया, जबकि इनका इस्तेमाल कोरोनिल टैबलेट बनाने में किया गया था। साथ ही किट की तीसरी दवा यानी अनुतैल जो कि नाक में डाले जाने वाला एक ड्रॉप है, उससे जुड़ी कोई भी स्टडी पेश नहीं करी गई।
इन दोनों स्टडीज और इनमें बसी गूढ़ बातों को जानने के लिए हमारी मदद करने के लिए आई ऑल्ट न्यूज साइंस की फाउंडिंग एडिटर और स्वीडन में बतौर न्यूरोसाइंटिस्ट काम कर रही डॉक्टर सुमैया शेख। तीन बॉटल है कोरोनिल के किट में। एक तो है, उसे कहते हैं हम स्वसरी रस। स्वसरी रस एक तरह की दवाई है जो पहले भी पतंजलि के पास मिल रही थी। उसकी रिसर्च की गई है और ज़्यादातर वो नज़ला ज़ुकाम इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। स्वसरी की जो रिसर्च है वो एक्चुअली जो नज़ला ज़ुकाम के लिए दी जाती है वो बहुत पहले रिसर्च की हुई थी और वो सिर्फ चूहों में रिसर्च की है, माउस मॉडल्स में, जिसके अंदर लैब के अंदर आप माउस को एक इन्फ्लेमेटरी किस्म का एस्थमा दिया जाता है, उन्हें एस्थमेटिक बनाया जाता है और उसके अंदर वो टेस्ट किया है। इसमें ना ही कोरोना का कोई एंगल है, मतलब सिर्फ उन्होंने एस्थमेटिक माइस में देखा था कि एस्थमा कैसे कम होता है इस पर्टिकुलर जो स्वसरी रस है उस टैबलेट से। तो जो दूसरी दवाई है उसके अंदर तीन हर्ब्स है जो दूसरी बॉटल के अंदर, और पहली उसके मतलब दवाई का एक मिक्सचर है, हर्बल मिक्सचर है, और वो तीन हर्ब्स के अंदर पहली जो है वो गिलोय है, दूसरी अश्वगंधा है और तीसरी जो है तुलसी है। तो गिलोय दो पार्ट में है, एक पार्ट में अश्वगंधा और थर्ड पार्ट में तुलसी है। तो वो गिलोय पे सिर्फ रिसर्च की गई है, उन्होंने पूरी कोरोनिल की दवाई पे रिसर्च नहीं की। जो एक दवाई है, एक टैबलेट है जिसके अंदर ये तीनों हर्ब्स हैं और सिर्फ गिलोय पे रिसर्च की गई है, और गिलोय की रिसर्च एक्चुअली में पब्लिश नहीं की उन्होंने। तो वो एक प्री प्रिंट जिसे कहते हैं हम साइंस में, आप रिसर्च कर लें और उसके बाद किसी से पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, किसी और साइंटिस्ट ने उसे देखा नहीं है, उसे वैलिडेट नहीं किया कि ये साइंटिफिक प्रोसीजर के हिसाब से कोई भी आयुर्वेदिक साइंटिस्ट या कोई और साइंटिस्ट इसे देख के बताएगा कि प्रोसीजर के हिसाब से सही है या नहीं। उन्होंने ऐसे ही जरूरी होता है कि अगर आप कुछ भी रिसर्च करें तो उसे बाकी लोग भी अपनी मान्यता दें, उसके बाद ही वो इस फॉर्म में आ सकता है कि उस पे आगे काम चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जांच करते हैं इसकी कि ये साइंटिफिकली ये सही है या नहीं है। वो एक्सपर्ट्स उसी तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर जो कहा जा सकता है वो कुछ यूं है। पतंजलि द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनमें कोरोनिल किट में शामिल तीन दवाओं में से सिर्फ एक की पब्लिश्ड रिसर्च स्टडी है। एक स्टडी में तीन जड़ी बूटियों वाली कोरोनिल दवा के सिर्फ एक हिस्से यानी सिर्फ गिलोय की बात की गई है और इस स्टडी की विस्तृत समीक्षा भी नहीं हुई है। श्वासार्य रस यानी कि DSR पर की गई स्टडी इंसानों पर नहीं बल्कि चूहों पर हुई है। गिलोय पर की गई दूसरी रिसर्च स्टडी एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, न कि किसी जीवित प्राणी पर किया गया अध्ययन। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट यानी कि CTRI सिर्फ रजिस्ट्रेशन का एक प्रूफ होता है, न कि ट्रायल के दौरान मिले परिणामों का सबूत। इसके अलावा कोई भी टॉक्सिसिटी या हर्बल इंटरैक्शन स्टडी नहीं की गई है जिससे साबित हो कि ये दवा COVID-19 के मरीजों के लिए सुरक्षित या असरदार है। यानी इस तरह से ये कहा जा सकता है कि पतंजलि द्वारा दिया गया एक भी सबूत ये साबित नहीं करता है कि कोरोनिल COVID-19 का प्रभावी इलाज है या हो सकता है। ऐसे हालातों में जब दुनिया की एक बड़ी आबादी एक महामारी से जूझ रही है, 100% इलाज के दावे बहुत बड़ा असर डालते हैं। इन दावों के कारण, ऐसी अप्रमाणित दवाइयों के इस्तेमाल के कारण लोग उस इलाज से वंचित रह सकते हैं जो कि उन्हें वाकई खतरे से निकालने में सक्षम है। प्राचीन आयुर्वेद का चोगा ओढ़कर झूठी दवाएं बनाने से एक भयानक संक्रामक बीमारी के दौर में हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं।